हेलमेट है लेकिन इन्होंने भी नहीं पहना है। Alright, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel NJ Vlogs. आज है 17 of March, Sunday है and एक short ride मैंने plan किया and कहाँ को plan किया है मैंने and first of all आप एक चीज़ देख रहे हो तो ये मेरा गैरेज है एंड यहाँ पे आप पूरा खाली खाली देख रहे हो। बाइक मेरी एक्चुअली रखी हुई है बाहर की तरफ बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे कुछ एंड उसकी वजह से बाइक मैंने बाहर ही पार्क की है, गैरेज एकदम खाली है। बात कर रहा था कहाँ जाएंगे आज हम लोग। आज जाने वाले हैं हम लोग धवलेश्वर ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है ये उड़ीसा का। एक्चुअली मैंने इसको देखा नहीं है, खाली गूगल पे ही मैंने इसको देखा है फ़ोटोज़ में, तो सोचा कि आज जाते हैं, ट्राई करते हैं, घूम के आते हैं एंड कैसा है आप सबको भी दिखाते हैं। अभी टाइम हुआ है 7 AM इन द मॉर्निंग, मेरे को अपने राइडिंग गियर्स पहने एंड देन निकलना है। सो गाइस निकलते हैं, उधर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब फटाफट से निकलते हैं। मैं तो रेडी हो चुका हूँ एंड अभी कुछ तो क्लियर आ गया एंड देखो कंस्ट्रक्शन। सो इसी के वजह से रास्ता जाम है एंड मैं बाइक अंदर नहीं लेके आ पाया। अभी चल चल के जा रहा हूँ तो बाइक मैं आपको दिखाता हूँ मैं बाइक। सो गाइस बाइक मैंने इधर ही पार्क किया एंड मेरी बाइक रात में उसकी वजह से बाइक गीली हो गई है, लेकिन कोई नहीं निकलते हैं। अभी गर्मी बहुत तेज लगने लगी है मेरे को। तो ये है बाईपास एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे स्ट्रेट। हम लोग को जाना है टुवर्ड्स कटक, कटक से हम लोग को फिर लेफ्ट कटना है टुवर्ड्स दैट ब्रिज एंड वहाँ पे वो मंदिर है। एक्चुअली वो ब्रिज से ज़्यादा मंदिर फेमस है वहाँ पे। तो मंदिर का नाम धवलेश्वर मंदिर है एंड वहीं पे आज हम लोग जा रहे हैं। तो वैसा ब्रिज मैंने पहले देखा हुआ है, नेपाल में ही देखा है एंड वो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रिज था एंड बहुत ज़्यादा हाइट पर भी था एंड इसका मेरे को पता नहीं है इतना, वो तो जाने से ही पता चलेगा ये कितना बड़ा है एंड कितना ऊंचा है। सो गाइस ये जो जगह है ना ये भुवनेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है, 35 to 40 किलोमीटर्स एंड इसका जो गूगल मैप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको भी जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैप का लिंक है, नेविगेशन के थ्रू आप जा सकते हो। टाइम हो गया 7:30, बाईपास बस आगे ख़त्म होने ही वाला है, फिर आ जाएंगे हम NH16 पे एंड NH16 से जब हम लोग कटक पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हम लोग कटेंगे लेफ्ट। लूना को काटते हुए, रिश्ते वाले को काटते हुए, आग को काटते हुए, डिजायर को काटते हुए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है पाल हाइट मंत्रा। कोलकाता चले क्या? अभी आगे मेरा प्रोग्राम बन रहा है कोलकाता का, नहीं एक और जगह का, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, एक बार फाइनलाइज हो जाए फिर मैं बता दूंगा आप लोग को। अभी नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी अगर कैंसिल हो गया तो फोपट हो जाएगा, इसीलिए बस फाइनल हो जाए उसके बाद बताऊंगा। आगे से ऐसे यू टर्न लेके लेफ्ट की ओर जाना है हम लोग को। वही से एक बार देखो, बताना चाह रहा हूँ हेलमेट है लेकिन इन्होंने भी नहीं पहना है। सो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा तो सकता हूँ कि देख लो हेलमेट है लेकिन सर पे नहीं है, हाथ पे, बहुत गलत बात। कितने कोड़ी है? पहुंच चुका हूं, इधर पार्किंग है। सो ये आप देख सकते हो ये वाली पूरी पार्किंग है एंड पार्किंग यहां पे है 20, मैंने पार्किंग लगा दी है एंड अब चलते हैं आगे एंड वो ब्रिज है ना जो वो आगे की तरफ है, सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं।
गाइज मैं आ चुका हूँ ब्रिज के पास एंड आपको दिखाऊँ ब्रिज, ये देख लो, ये है ब्रिज। बहुत अच्छा ब्रिज है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है एज़ कम्पेयर टू नेपाल, जो कि मैंने नेपाल में देखा था। नेपाल वाला ब्रिज बहुत ज़्यादा ऊंचा था, वो पूरा माउंटेन्स के ऊपर से था, तो वन माउंटेन टू अनदर माउंटेन कनेक्टेड था, उसकी वजह से ऊंचा था। बट ये वाला खाली रिवर क्रॉसिंग टाइप का है, लेकिन कोई नहीं, ब्रिज के ऊपर तो से मैं तो ड्रोन टेक ऑफ कर नहीं सकता हूँ कि बिकॉज ये जो ब्रिज है पूरा मेटल का है एंड कंपास में प्रॉब्लम आएगा। सो यहाँ से अभी मैं ऐसे एक किनारे पे आया हूँ, यहाँ से मैं ड्रोन टेक ऑफ करता हूँ एंड देन आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ। सो आप एक बार देख लो। देखा मैंने जो ड्रोन शॉट्स थे, बहुत अमेजिंग ड्रोन शॉट्स आए हैं। अभी मैं चलता हूँ, एक बार आपको ऊपर से ब्रिज दिखा देता हूँ, बट मैंने साइड से लिए बिकॉज मेरे को पता है नेपाल में मैंने यही वाला गलती किया था, जब ब्रिज के ऊपर जाके मैंने ड्रोन ऑन किया था एंड उसके बाद उसका कंपास कैलिब्रेट नहीं हो पाया, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इधर उधर हो जाता है, फिर ड्रोन उड़ा ही नहीं एंड ये कौन सी लाइन में आ गया मैं, तो उसकी वजह से फिर वो उड़ा ही नहीं, इसलिए मेरे को पता था, इसलिए मैंने साइड से लिया। साइड से उसके शॉट्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए हैं। तो गाइस ये है एंट्री, गाइस देख रहे हो बड़ा है, बट पहले जैसा मैंने बोला नेपाल के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, बट ये वाला एकदम फिक्स है। नेपाल में जो था वो एकदम हिल रहा था एंड भाई उस पर आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होगे वो ब्रिज भी हिलेगा आपके साथ, बट ये वाला अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, हिलने का चांसेस नहीं है। एंड एक बार ही देखो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। व्यू तो आपने देखा, बहुत अमेजिंग है, मेरे को ये बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार अगर आप पहले यहाँ कभी आए नहीं हो तो एक बार आना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। स्पेशली यहाँ पे ये जो नीचे देख रहे हो जहाँ बोट्स वोट्स है, यहाँ आके 10 मिनट बैठना, खाली शांति से बैठना एंड जो शांति है ना यहाँ पे उसको एंजॉय करना, बस उसी में ही वो मज़ा है। बाकी ब्रिज के आगे तो मंदिर है, सो आपको बस खाना था दिखा दिया, मेरे को भी देखना था, मैंने भी देख लिया। सो गाइस अब पता ही आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। फिर दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।